अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आजान और आप देख रहे हैं जी टेक। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आया हूँ और ये जो अनबॉक्सिंग वीडियो है ये एक एसी की अनबॉक्सिंग है और ये ग्री की तरफ से आता है एसी और ये ग्री का इन्वर्टर है। और आज की इस वीडियो में आपको जो इसका इंडोर यूनिट है और जो इसका आउटडोर यूनिट है इन दोनों की अनबॉक्सिंग प्रोवाइड करूंगा और इसके अलावा इस एसी की प्राइसिंग के बारे में बताऊंगा। इस एसी का मैं आपको क्लोज अप व्यू दिखाऊंगा, इसकी मैं आपको फीचर्स वगैरह के बारे में बताऊंगा, इसके अलावा इसकी क्वालिटी के बारे में आपको बताऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि ग्री जो है किस प्राइस रेंज में किस तरह का एसी प्रोवाइड करता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर अपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जैसे भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपनी अनबॉक्सिंग की तरफ। ये तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने पड़ा हुआ है जो ग्री का इन्वर्टर है उसका इंडोर यूनिट और इस तरह मेरी लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है इसका आउटडोर यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो इसका इंडोर यूनिट है इसको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा कि इसके बॉक्स में क्या क्या कुछ आता है। इसके अलावा जो मेन चीज़ इसका जो इंडोर यूनिट है वो दिखाऊंगा कि किस तरह की बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, इसके अलावा इसकी लुक वगैरह कैसी है। तो चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं हम। जी तो फ्रेंड्स, चलिए अब इसको हम अनबॉक्स करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो इसकी जो सील्स वगैरह हैं, टेप्स वगैरह हैं, उनको खोल लेते हैं। तो अब हम करते हैं इसको अनबॉक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें एक बैग देखने को मिल जाता है और जो बैग है इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन बुक्स हैं, इसके अलावा हमें इसका एक रिमोट कंट्रोल देखने को मिल जाता है और ये है इसका वारंटी कार्ड। तो अब इसको अनबॉक्स करने के लिए मुझे एक हेल्पर की जरूरत है और अब हम नेक्स्ट सीन में मिलेंगे जिसमें मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा कि एयर कंडीशनर जो है ये किस तरह का है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट सीन की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, मैंने इसका जो इंडोर यूनिट है इसको मैंने बॉक्स से बाहर निकाल लिया है और आपके सामने ये पड़ा हुआ है, ये एक वाइट कलर में आता है और ये जो आजकल जो बड़े साइज में इंडोर यूनिट्स आ रहे हैं ये वो वाला एसी है। मतलब इसका जो इंडोर यूनिट है जो आम पुराने एसी हैं उनसे थोड़ा सा बड़े साइज में आता है। तो ये अभी मेरी लेफ्ट साइड पर इसके साथ जो कुछ चीज़ें आती हैं जो इसके बॉक्स में से निकली है वो हैं, वो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ कि ये इसके साथ एक आता है फॉर्म जो कि इसके पाइप्स के ऊपर चढ़ाया जाएगा। तो ये आई थिंक तकरीबन एक फुट से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब इसके एक फुट से थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ है। और इसके अलावा इसके साथ ये दो वायर्स हैं जो इसके कनेक्शन में काम आएंगे, जब इसका कनेक्शन करना होगा इलेक्ट्रिसिटी वाला तो तब इसके साथ ये वायर्स दी गई हैं जो आप देख सकते हैं। मैं आपको बाद में इसका क्लोजअप व्यू भी दिखाऊँगा कि इनकी क्वालिटी किस तरह की है। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो एक ये बैग है और इस बैग के अंदर हमें इसकी यूज़र मैनुअल देखने को मिलती है, इसके अलावा इसका जो रिमोट कंट्रोल है वो देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपको इसकी मैनुअल और रिमोट कंट्रोल वगैरह भी दिखाऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ ये एक ऑनर्स मैनुअल मिलती है और ये जो बुक है इसके अंदर इसकी कुछ फीचर्स के बारे में लिखा होगा, इसके कंट्रोल्स के बारे में लिखा होगा, इसके अलावा इसकी थोड़ी बहुत इसमें गाइड्स दी गई होंगी कि इसको किस तरह से हमें मेंटेन रखना चाहिए, इसके अलावा इसकी जो केयर वगैरह हमें किस तरह से करनी चाहिए। एक और हमें इसी तरह की गाइडलाइन देखने को मिल जाती है जो कि बुक है जिसमें उसमें भी इसी किस्म की कोई थोड़ी बहुत उन्होंने चीज़ें बताई होंगी। और इसके अलावा ये भी एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल एक पेपर हमें देखने को मिलता है जिसमें भी इसकी थोड़ी बहुत हमें कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई होंगी। और नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो है एक ये पेपर वर्क और ये जो पेपर है ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एयर कंडीशनर है ये कंप्लीट वाईफाई को सपोर्ट करता है। मतलब इसके थ्रू हम जब इसको वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करेंगे तब हम ये जो क्यूआर कोड हमें दिया गया है ये क्यूआर कोड हम अपने मोबाइल फ़ोन में इसको स्कैन करने के बाद हम अपने मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकेंगे जो कि ग्री की एप्लीकेशन होगी, इस एसी की एप्लीकेशन होगी। और वो जो एप्लीकेशन होगी उसके थ्रू हम इस जो एयर कंडीशनर है इसको कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो पेपर है इसके ऊपर ये क्यूआर कोड इन्होंने बनाया है
और इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी और उसका फ़ायदा ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम घर से बाहर हैं और हम चाहते हैं कि हमारे घर पहुंचने से पहले पहले एसी मतलब एसी हम ऑन कर दें और एसी जो हमारा कमरा है वो कूल हुआ हो और एसी ऑन हुआ हो तो तब हम किसी भी जगह से मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट चला के और अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हैं, एसी को ऑन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एसी का ऑन होना और मतलब इसका बटन का ऑन होना, इसके अलावा इसका वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये वाईफाई से नहीं कनेक्ट होगा तो तब हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। तो इसके बाद अगर आपको जो इसके पैकेट है इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बताना चाहूँ तो ये आ जाता है इसका रिमोट कंट्रोल। और मैं आपको इसका थोड़ा सा रिमोट कंट्रोल दिखा देता हूँ कि ये किस तरह का रिमोट कंट्रोल है। और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का है इसका रिमोट कंट्रोल। और इसके अंदर एक हमें छोटा सा डिस्प्ले देखने को मिलता है, इसके अलावा हमें इसमें फंक्शंस देखने को मिलते हैं जिसमें मुख्तलिफ मोड्स हैं, आई फील, टर्बो, फैन, ऑन ऑफ वगैरह, इस तरह के इसमें डिफरेंट किस्म के मोड्स हैं। इसके अलावा जो लास्ट चीज़ है इसके पैकेट में वो कुछ हमें इसमें स्क्रूज दिए गए हैं। इसके अलावा इसके में जो रिमोट है उसके हमें दो सेल्स दिए गए हैं। और जो लास्ट चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो है ग्री का एक वारंटी कार्ड। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ग्री का एयर कंडीशनर है ये 3 साल की वारंटी के साथ आता है, और जो 3 साल की वारंटी है ये कंप्रेसर की वारंटी है, और 1 साल की जो गारंटी इसके साथ आएगी वो होगी इसके पार्ट्स की। मतलब 1 साल के अंदर इसके किसी भी किस्म का कोई पार्ट्स में फॉल्ट आ जाता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें कंपनी जो है वो सर्विस के थ्रू चेंज करके देगी या उसको जो भी हल होगा वो करके देगी। लेकिन जो इसका कंप्रेसर है वो अगर 3 साल के अंदर कोई मसला करता है तो 3 साल के अंदर इसका जो कंप्रेसर है उसकी वारंटी है, मतलब उसको इसको ठीक कर दिया जाएगा या तो फिर उसकी रिप्लेसमेंट वगैरह जो भी कंपनी का होगा वो कंपनी ज़रूर इसके लिए करेगी। तो यही कुछ था इस यूनिट के अंदर। तो अब मैं आपको इसको शॉपर से बाहर निकाल के दिखाता हूँ ताकि आपको इसकी थोड़ी बहुत लुक का वाजिया तौर पर पता चल सके कि ये किस तरह की लुक के साथ आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट शॉट में। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने जो ये जो इंडोर इसका यूनिट है इसकी अनबॉक्सिंग के लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है इसकी अनरैपिंग। और अब हम जो इसका ऊपर जो रैपिंग है इसकी मतलब जो इसका शॉपर है उसको उतारेंगे और इसकी हम जो लुक है उसको देखेंगे, उसके बाद हम देख करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग जो कि इसका आउटर यूनिट है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको अनरैप करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी टेप्स वगैरह उतार देता हूँ। तो ये भी अब फ्रेंड्स अब अनरैप हो चुका है और कुछ इस तरह की लुक के साथ आता है ये एयर कंडीशनर। तो अब ये जो इसका इंडोर यूनिट है इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब हम चलते हैं जो इसका आउटडोर यूनिट है उसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। जी तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं इसका जो आउटडोर यूनिट है उसको अनबॉक्स करते हैं। तो अब देर नहीं करते इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि जो इसका आउटडोर यूनिट है वो किस तरह का है। तो ये फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है इसका आउटडोर यूनिट और ये साइज में काफ़ी बड़ा है जो दूसरे आउटडोर यूनिट्स हैं उनकी निस्बत। तो अब फ्रेंड्स मैं आपको इसका जो इंडोर यूनिट है और जो आउटडोर यूनिट है इन दोनों को क्लोजअप व्यू दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इनकी क्वालिटी किस तरह की है। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं इसके क्लोजअप व्यू की तरफ। ये तो फ्रेंड्स ये आपके सामने है ये जो ग्री का इन्वर्टर है और ये ग्री का एक डे टर्न का इन्वर्टर है जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो कुछ इस तरह की लुक के साथ आता है ये और ये वाइट कलर में आता है। तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये इसकी ग्री की ब्रांडिंग है, आप देख सकते हैं इसका ग्री का लोगो, ये इसकी ग्री की ब्रांडिंग के साथ आता है। और इसके अलावा इसका जो डिस्प्ले है वो तकरीबन इसकी राइट साइड पर करके इधर करके इसका जो डिस्प्ले है वो आएगा। और इसका हाइडन डिस्प्ले है वैसे हमें शो आउट नहीं होगा, बट जब हम इसको ऑन करेंगे तो तब हमें इसका डिस्प्ले शो होगा। तो बाकी इसके अलावा मैं इसकी फ्रंट साइड के ऊपर जो इसका मेन ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें मैं और कुछ नहीं देखने को मिलता। तो अब आ जाते हैं इसके नीचे वाली ग्रिल वाली तरफ। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हमें एक टेक्सचर देखने को मिलता है,
मतलब ये ऊपर वाली तरफ से प्लेन नहीं है, ये हमें एक मैट लुक प्रोवाइड करता है। अगर मैं आपको क्लोज करके दिखाता चलूँ तो आप ये देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का है ये, और हमें इसके ऊपर वाली तरफ एक सिल्वर की एक लाइन देखने को मिलती है, जो कि क्रोम्ड सिल्वर कलर में एक लाइन आती है। लेकिन जो इसका नीचे वाला, जो इसका ग्रिल वाला हिस्सा है, इसके ऊपर एक काफ़ी खूबसूरत सा एक टेक्सचर बनाया गया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। और उसके बाद जो बाकी इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, वो भी हमें वैसे ही एक जो जैसा कि ऊपर था प्लेन शाइनी वाइट कलर में देखने को मिलता है। तो इस तरह का है कुछ ये फ्रंट साइड से। और इसके ऊपर हमें एक सिंगल ग्रिल देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ ऐसी होते हैं जिसमें हमें एक नीचे और एक ऊपर हमें डबल ग्रिल देखने को मिलती है, बट इसमें कोई इस किस्म का सीन नहीं है। और अब मैं आपको इसकी इस साइड से इसका मॉडल नंबर वगैरह दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये ग्री का एक स्प्लिट एसी है, और इसके ऊपर इसकी तकरीबन सभी स्पेसिफिकेशंस के बारे में लिखा हुआ है कि इसके वोल्ट्स वगैरह, इसकी BTU वगैरह। और ये इसका नीचे वाली तरफ इसका मॉडल नंबर आ जाता है, GS18FITH1W इसका मॉडल नंबर है। तो कुछ इस तरह का है ये इन्वर्टर। और अगर मैं आपको जो इसकी बैक साइड है उस तरफ से दिखाता चलूँ, तो कुछ इस तरह का है ये बैक साइड से। और ये जो है गोल्डन फिन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, मतलब जो इसके जो फिन्स हैं, इसके अलावा जो इसके पाइप्स हैं, पाइप्स तो कॉपर के हैं, बट जो इसकी जो फिन्स हैं, इसकी फिन्स जो है वो गोल्डन प्लेटेड आती हैं, मतलब गोल्डन कलर में हैं इसकी जो फिन्स हैं, इसके आउटडोर यूनिट में भी, और इसके अलावा इसके इनडोर यूनिट में भी। तो इस तरह का है कुछ ये एयर कंडीशनर। तो अब फ्रेंड्स, मैं आपको ये जो एयर कंडीशनर है ये नीचे से दिखाऊंगा कि जिधर से इसकी फिटिंग वगैरह होगी, मतलब जो इसकी नीचे वाली साइड है वहाँ से ये किस तरह का हमें मिलता है। तो अब देखते हैं हम इसकी नीचे वाली तरफ से। तो नीचे वाली तरफ से हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। और ये जो है यहाँ पे, यहाँ से हम इसको हैंग करेंगे, इसके जो पॉइंट्स वगैरह लगे हैं, मतलब इसके हैंगिंग के जो पॉइंट्स हैं वो हैं। और ये एक आई थिंक स्टील या फिर जो लोहे की प्लेट में आता है। तो इसके अलावा ये इसका जो पाइप है वो है जो इसका आउटडोर के साथ जाएगा। तो ये इधर से पाइप निकलता है, और मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसके दो पॉइंट्स हैं, मतलब इस तरफ से भी ये निकल सकता है, मतलब लेफ़्ट राइट इसके दोनों तरफ पॉइंट्स रखे गए हैं, हम इसको दोनों तरफ से पाइप्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे रूम में लेफ़्ट साइड की तरफ अगर आउटर जाना है तो लेफ़्ट साइड से भी निकल सकता है, राइट तरफ को जाना है तो इसका राइट साइड पर भी जा सकता है। और यहाँ पर है इसकी जो किट वगैरह होती है, मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक किट वगैरह सारा सिस्टम है वो इस तरफ है। इसके अलावा आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं कि ये जो एयर कंडीशनर है, मतलब आप ग्री की ओवरऑल क्वालिटी देख सकते हैं कि ग्री आजकल किस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। और ये इसका जो ड्रेनेज पाइप है। और इसके अलावा हम चलते हैं इसकी लेफ़्ट साइड की तरफ। तो आप लेफ़्ट साइड पर देख सकते हैं इसके काफ़ी खूबसूरत इसका डिज़ाइन बनाया गया है, मतलब ये जो है ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक उन्होंने पैटर्न सा दिया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। और आपको इसकी साइड से इसके लुक का भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि थोड़ा सा राउंड शेप में आता है फ्रंट साइड से, मतलब इसके किस तरह की लुक है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसकी कोई एनर्जी वगैरह की, मतलब इसके जो किलोवाट्स वगैरह होते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत गाइडलाइन दी गई है। और ये आप देख सकते हैं ये भी एक क्रोम्ड फिनिश्ड इसकी एक लाइन है, और फ्रंट साइड पर भी इसकी एक क्रोम की लाइन लगाई गई है, जो कि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करता है। इसके अलावा ये जो इसके साथ इसके इंडोर यूनिट के अंदर जो कुछ निकला था वो कुछ आपके सामने है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इसका क्लोजअप व्यू भी प्रोवाइड करूंगा और दिखाऊंगा कि इनकी क्वालिटी किस तरह की है। तो ये आप इनकी केबल्स की क्वालिटी देख सकते हैं, एक तो केबल ये है इसके साथ, और ये इसके साथ जो उनसे यू शेप में आप इसके कनेक्टर्स वगैरह देख सकते हैं, जो भी इनको आप कह लें। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ये वायर है, और एक तो ये वायर है, इसके अलावा एक और इसके साथ वायर है। और इसके वोल्टेज वगैरह की कैपेसिटी वगैरह देख सकते हैं कि मतलब ये कितने वोल्ट्स वगैरह को बर्दाश्त कर सकता है। तो ये जो इसके साथ फोम आया था ये वो है जो कि इसके पाइप के ऊपर लगेगा। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी जो दूसरी वायर है, और ये जो वायर है ये उस वायर से ठीक है, मतलब इसकी मोटाई जो उनसी है ये उस वायर से थोड़ी सी ज़्यादा है।
और ये आप देख सकते हैं कि 450 तक वोल्ट्स जो है उसको बर्दाश्त कर सकती है, मतलब इतने वोल्ट्स तक ये सपोर्ट करती है वायर। तो मतलब ये जो वायर है ये दूसरी वायर से ज़रा ठीक है। तो उसके बाद ये हमें कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये जो QR कोड वाला है जिसके थ्रू हम इसकी जो वाईफाई वाली फैसिलिटी है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी ये जो सभी ओनर्स मैनुअल यूज़र गाइड्स वगैरह है, और ये आ जाता है इसका ग्री का वारंटी कार्ड। वारंटी का भी मैंने आपको बताया था कि ये इसकी 3 ईयर्स की कंप्रेसर की 1 ईयर्स की पार्ट्स की वारंटी है। और इसके अलावा ये इसके सर्विस सेंटर्स बताए गए हैं कि मुख्तलिफ शहरों में इसके कहाँ कहाँ पे सर्विस सेंटर्स हैं, इसके अलावा उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह बताए गए हैं। और लास्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है इसका रिमोट कंट्रोल, और जो रिमोट कंट्रोल है उसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताता चलो तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है रिमोट, काफ़ी अच्छा रिमोट है। तो ये है इसका जो आप सेंसर कह सकते हैं, इसका जो सेंसर है, और ग्री की ब्रांडिंग देख सकते हैं इसके ऊपर। इसके अलावा इसका छोटा सा डिस्प्ले देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा है ये। ऊपर इसके हमें क्रिस्टल टाइप देखने को मिलता है, मतलब क्रिस्टल प्लास्टिक में आता है ये। कुछ इसमें फीचर्स हैं, मतलब ऑन ऑफ का बटन है इसमें, ये टर्बो मोड है, फ़ैन है इसका अगर हम एसी के अलावा जस्ट फैन चलाना चाहते हैं तब, और ये डिफरेंट मोड्स के लिए इसका मोड बटन है, और ये इसका टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए बटन हैं। इसके अलावा जो इसके ये जो इसके ग्रिल्स वगैरह हैं उनको एडजस्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, आई फील की ऑप्शन मौजूद है, और इसके अलावा भी हमें इसमें दूसरी फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो कुछ इस तरह का है एयर कंडीशनर। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं इसके जो आउटडोर यूनिट है उसकी तरफ, ताकि आपको पता चल सके कि जो इसका आउटडोर यूनिट है उसकी क्वालिटी किस तरह की है। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो इस जो एयर कंडीशनर है इसकी जो मेन चीज़ है, जो इसका मेन हाईलाइट फीचर है, वो इसका आउटडोर यूनिट ही है। तो चले फ्रेंड्स अब चलते हैं इसके आउटडोर यूनिट की तरफ। ये तो फ्रेंड्स ये अब आपके सामने है जो ग्री का एयर कंडीशनर है, इन्वर्टर है जो उसका आउटडोर यूनिट, और ये काफ़ी बड़े साइज़ में आता है, मतलब तकरीबन इसका जो 2 टन का जो आउटडोर यूनिट होता है उसके बराबर इसका जो साइज़ है। तो अब मैं आपको इसकी क्वालिटी की दिखाता हूँ कि इस तरह की क्वालिटी के साथ आता है। तो आप देख सकते हैं ये ग्री के ब्रांडिंग, और इसके बाद ये आप देख सकते हैं जो R41010 मतलब ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, आई थिंक ये गैस का मॉडल है, मतलब गैस होती है ये वाली। और ये देख सकते हैं इसके नीचे इन्वर्टर का स्टिकर लगा, मतलब ये इन्वर्टर एसी है, और देख सकते हैं आप इसकी लुक। तो इसके अंदर ये देख सकते हैं कि जो फ़ैन लगा हुआ है, और इसके अलावा ये जो इसकी ग्रिल है ये प्लास्टिक की ग्रिल है, मतलब जो इसके आगे जाली लगी हुई है ये प्लास्टिक की जाली है, और हमें इसमें किसी भी किस्म की स्टील की या लोहे की कोई मतलब इस तरह की जाली वगैरह देखने को नहीं मिलती हुई। एक स्क्वायर शेप में है इसकी जो आगे वाली जाली है। और अब मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, तो आप ऊपर से देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर एक पैटर्न बना हुआ है, मतलब ये इसको बिल्कुल प्लेन नहीं है, इसके ऊपर हमें लाइंस देखने को मिलती हैं, और ये जो कंप्लीट लोहे की बॉडी के साथ आता है। तो आप देख सकते हैं ये जो इसका आउटडोर यूनिट है ये काफ़ी बड़े साइज़ में आता है, मतलब अगर हम इसका जस्ट आउटडोर यूनिट देखें तो हमें ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये एक 2 टन के जो एयर कंडीशनर है उसका आउटडोर यूनिट है, बट एक्चुअल में एक 1.5 टन के एयर कंडीशनर का जो आउटडोर यूनिट है। तो आप इसकी अब हम राइट साइड पर चलते हैं और देखते हैं इसकी राइट साइड पर क्या है। तो कुछ इस तरह से है यहाँ पे, ये इसके मॉडल नंबर्स वगैरह लिखे हैं, मतलब इसकी मॉडल नंबर, और इसके अलावा इसकी जो कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस लिखी हैं, मतलब इसके वाट वगैरह वोल्टेज वगैरह के बारे में लिखा है। अब वो कम्प्लीटली इसको पढ़ सकते हैं, और ये इसका मॉडल नंबर है FITH1 है। तो फ्रेंड्स ये इसके साथ एक टेप आती है, ये जो वही टेप है जो कि इसके जो कनेक्टिंग पाइप्स हैं उनके ऊपर लगती है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये इसकी बैक साइड है, आपको बैक साइड से अंदाज़ा हो गया होगा कि बैक साइड पे जो इसके जो पाइपिंग वगैरह है वो भी आम जो एयर कंडीशनर का आउटर है उससे ज़्यादा है, क्योंकि इसका साइज़ ही बड़ा है तो डेफिनेटली इसमें पाइपिंग वगैरह भी ज़्यादा ही होगी। तो ये मैंने आपको जैसे पहले भी दिखाया था ये इसके पॉइंट्स हैं जिधर इसके पाइप्स वगैरह लगेंगे।
तो इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो इसकी फिन्स हैं वो गोल्डन की बनी हुई हैं, मतलब गोल्डन कलर में फिन्स आती हैं, क्योंकि कुछ एयर कंडीशनर आते हैं जो कि सिल्वर, जो इसकी फिन्स हैं सिल्वर में आते हैं, बट ये जो एसी है ये गोल्डन फिन्स के साथ आता है। इसके अलावा इसके साथ जो जो कनेक्टिंग पाइप्स दिए गए हैं वो दो साइज़ में आते हैं, एक जो है वो थोड़ा सा बारीक है और ये वाला जो है ये थोड़ा सा मोटा है, मतलब ये दोनों जो इसके साथ कनेक्ट होते हैं आउटडोर इंडोर यूनिट के साथ, और ये दोनों जो हैं 10 फीट की लेंथ के साथ आते हैं पाइप्स, और तकरीबन हर एक एसी के साथ हमें 10 फीट का पाइप देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके साथ ड्रेनेज वाला पाइप और इसके अलावा और में दूसरी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर हम अब चलें इसकी जो लेफ़्ट साइड की तरफ, तो हमें इसकी लेफ़्ट साइड पे भी ये फिन्स ही नज़र आ रही हैं, और इसके जो कार्बन के पाइप्स हैं वो नज़र आ रहे हैं और वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है हमें डबल कंडेंसर देखने को मिलता है, मतलब जो इसमें डबल साइड कंडेंसर है, मतलब जो एक साइड हमें पाइपिंग नज़र आ रही है, उसके बाद भी इसके अंदर वाली तरफ एक और जो पाइपिंग की लेयर है वो है, मतलब टू लेयर कंडेंसर के साथ आता है ये वाला एयर कंडीशनर। तो ये आपको इस एयर कंडीशनर का ये जो आउटडोर यूनिट है वो भी आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा, और आपको पता चल गया होगा कि जो मॉडल है इसका ये जो आउटडोर यूनिट है ये काफ़ी बड़ा है, मतलब दूसरे एयर कंडीशनर की नस्बत काफ़ी बड़े साइज़ के साथ आता है और काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है। तो यह है कि आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता लग गया होगा कि जो ग्री का इन्वर्टर है ये किस तरह का है, ये वाला जो मॉडल है स्पेशली ये किस तरह की बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, इसके अलावा इसके फीचर्स क्या हैं, इसके अलावा इसका जो इंडोर यूनिट है इसका आउटडोर यूनिट है इसकी क्वालिटी दोनों की किस तरह की है, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो इसका आउटडोर यूनिट है ये आम जो एसी हैं 10 टन के उनसे बड़ा है इसका आउटडोर यूनिट, और आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि जो आम यूनिट्स हैं उनसे कितना वो बड़ा है। तो अब मैं आपको लास्ट में इसकी प्राइसिंग के बारे में आपको बताता चलूँ, तो जो इसकी ऑफिशियल प्राइस है वो 92,000 रुपीज़ है, मतलब 92,000 इसकी ऑफिशियल प्राइस है, बट अगर आप इसको मार्केट से परचेज करने जाएंगे तो तकरीबन आपको 89,000 से 90,000 के राउंड पर देखने को मिल जाएगा, मतलब इसमें तकरीबन हमें 2,000 से 3,000 रुपीज़ तक भी लेस देखने को मिल जाएगी। तो यही थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ आपका होस्ट रजान, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।